ये गाइस अभी आ चुके हैं हमारे जस्ट घर के बगल में ही माँ दुर्गा का टेंपल है, तो थोड़ा सा दर्शन करने आ गए हैं। शाम का समय क्या सुधा बनाया गया है यहाँ पे, पहले गोर धो लेते हैं ताकि हम आए थे बट मॉर्निंग टाइम आए थे तो बंद था यहाँ पे। अभी फाइनली घर पहुँच गया है प्यारा से घर मेरा, चलते हैं। हे गाइस अभी फाइनली अभी सूर्य देव जी ढल चुके हैं और चंदा मामा निकल चुके हैं, बहुत प्यारा से व्यू आ रहा है। और मैं मेरा बेटा और हम यहाँ पे गार्डन में अपना वॉकिंग कर रहे हैं। क्या बेटा जी मस्त, हम लोग गार्डन में अपना वॉकिंग कर रहे हैं, उसके बाद चाय चुप पियेंगे और उसके बाद बाबू मेरा पढ़ाई करेगा। ठीक है बेटा जी। और अभी प्यारा सा मौसम है, प्यारा सा व्यू है अभी यहाँ का। आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा दिन में था लेकिन अभी शाम होते ही मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है, एकदम ठंडा सा प्यारा सा मौसम हो चुका है। अभी दिखाते हैं चंदा मामा का प्यारा सा व्यू आप सबको। दोस्तों देखिए कितना प्यारा लग रहा है चंदा मामा, मस्त सा चंदा मामा आ गए, प्यारा सा चंदा मामा आ गए। और इधर हमारा बेटा प्रांजल सोया हुआ था, पूनम जी लेके आ गए, उठ गया शायद रोते हुए। उठ गया बेटो प्रांजल, उठ गया। मस्त सा गार्डन मेरा देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है दोस्तों, देखिए खूबसूरत सा। इधर हमारा शिमाली है प्यारा सा, मस्त। अभी करते हैं वॉकिंग। हे गाइस हमारा कॉफ़ी बन चुका है, चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। हम कॉफ़ी पीते हैं तो पूनम जी इधर चाय बना रही है, मस्त। पूनम जी का इंडक्शन पे चाय बन रहा है और चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। बेटा आप क्या पियोगे? और प्रांजल इधर बैठा हुआ गाड़ी में मज़ा ले रहा है। दोस्तों देखिए हमारा फुटबॉल था, बहुत दिन से पड़ा हुआ था, इसमें हवा कम था तो हमने अभी हवा इसको दिया। कभी कभी शाम में खेलेंगे परम के साथ। और इधर बाबू का गाड़ी है, मस्त। और इधर शाम के खाने का तैयारी चल रहा है, बन रहा है बीन्स। बीन्स बना है मम्मी, बीन्स बीन्स बना रही है, तोड़ रही है मम्मी, और बीन्स का सब्जी बनेगा, बीन्स आलू का। क्या बेटा प्रांजल, क्या है प्रांजल कुछ बोल रहा है? क्या बेटा जी कॉफ़ी पिएगा? बेटा कॉफ़ी पिएगा? हाँ कॉफ़ी पिएगा बेटा मेरा, तो चलते दोस्तों कॉफ़ी पीते हैं। एक आज अभी आ चुके हैं हमारे जस्ट घर के बगल में ही माँ दुर्गा का टेम्पल है, तो थोड़ा सा दर्शन करने आ गए हैं। शाम का समय है, लगभग 8 बज गए और प्यारा से यहाँ पे टेम्पल है, तो चलते हैं आप लोग को दिखाते हैं, माता रानी का दर्शन कराते हैं। और नीचे में भी पुराने वाला जो टेंपल था उसका ये सब छोटे छोटे मूर्ति है, भगवान बजरंगबली जी का, विष्णु जी का। फिलहाल चलते हैं आपको दिखाते हैं प्यारा सा, माता रानी का दर्शन कराते हैं। ये हमारे बगल में जस्ट रेलवे स्टेशन है, तो दिखाते हैं प्यारा सा टेंपल। प्यारा सुधा बनाया गया है यहाँ पे, पहले गोर धो लेते हैं ताकि धूल धक्के निकल जाए और साफ हो जाए, मस्त। बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है दोस्तों, मस्त सा और काफ़ी ऊंचा है, खूबसूरत सा। हाल फिलहाल में तो नहीं, कुछ साल पहले 2-3 साल पहले बना यह मंदिर, मस्त सा शक्तिपीठ दुर्गा मंदिर। दोस्तों एक बार और हम आए थे बट मॉर्निंग टाइम आए थे तो बंद था यहाँ पे, अभी खुला हुआ है शाम के समय, अभी जस्ट आरती वगैरह हुआ है। बहुत ही प्यारा शब्द दान पैती है, बहुत सारा पैसा है भाई दान पैती में। एक बार घूम लेते हैं मंदिर की चारों तरफ, बहुत खूबसूरत सा बनाया गया है, नीचे में भी पूरा अच्छा से। दोस्तों शायद अभी आरती नहीं हुआ है तो पंडित जी जस्ट अभी आए हैं, अभी अभी आरती होगा। हे गाइस बहुत खूबसूरत सा माता रानी का दरबार है और कितना प्यारा व्यू आ रहा है, मस्त सा तुर्की वाली मैया है और देख सकते हैं चारों तरफ भी कितना प्यारा व्यू है। सामने मेरे तुर्की रेलवे स्टेशन है, प्यारा सा। हे गाइस फाइनली चलते हैं अभी घर, और अभी चलते हैं पुराने वाले घर पे भी जाना है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा आरती वगैरह में, तो फिर कभी टाइम हमारे पास होगा तो दिखाएंगे यहाँ का प्यारा सा आरती का पूरा वीडियो। अभी मस्त चलते हैं घर, प्यारा सा व्यू अभी उतर रहे हैं हम, जा रहे हैं अपने घर पर।
तूने मुझे बुलाया शेरावाली, मैं आया जोतावाली, ओ तूने मुझे बुलाया शेरावाली। स्टार्ट करते हैं मस्त, और प्यारा सा टेम्पल देखिए, मस्त सा खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत सा है, माता रानी का दरबार है दोस्तों। मतलब कितना इतना खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता, बहुत ही प्यारा लगता है, यहाँ आते हैं तो बहुत खूबसूरत सा लगता है। फिलहाल चलते हैं, जाना पड़ेगा, माता रानी के दर्शन तो हो गया है, जब आए हैं बगल में ही एक होटल है तो सोचे चलते थोड़ा सा रसगुल्ला वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि स्पॉन्ज होता है दोस्तों, हेल्दी चीज़ होता है और बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि उसमें दूध का छेना होता है। तो चलते हैं रसगुल्ला खाते हैं मस्त, क्योंकि शाम होते ही कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है, तो बगल में प्यारा सा एक होटल है, रसगुल्ला खाते हैं। स्पॉन्ज हो जाएगा भैया, दो स्पॉन्ज खाएगा भैया, बड़ा वाला। मस्त, हमारे स्पॉन्ज आ गया, अभी मतलब खाते हैं। कुर्सी कुर्सी फोल्ड कर दिया बाबू, एक दिन कुर्सी कुर्सी पर बैठ जाए, चलिए इसी पर बैठ जाते हैं। तो दुकान क्लोज होने का समय आ गया, देखते हैं पूरा कुर्सी क्लोज कर दिया गया है, लोगों का काम होता है बहुत सारा, बनाना वगैरह पड़ता है, मिठाई वगैरह कल के लिए। फिलहाल चलते हैं स्पॉन्ज खाते, एक आज नाश्ता कर लिया मस्त, और एक पार्सल भी ले लिया है बाबू के लिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा स्पॉन्ज है, तो हमें अच्छा लगा तो ले लिया बाबू के लिए भी। अभी लगभग सभी दुकानें बंद हो रहे हैं, चलते हैं फिलहाल अभी। हे गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ, देख सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा दिल्ली रहता है और एक बच्चा बंगाल करने वाला है, और ये बच्चा बिहार नहीं, ये क्या जमशेदपुर का ना, मीनापुर, ये जमशेदपुर रहने वाला बच्चा है, जमशेदपुर ना, मीनापुर, अच्छा मीनापुर का बच्चा है, सोनी के, ओह सॉरी सॉरी दोस्तों, ये बिहार करने वाला है, और ये कहाँ गया, ये भी बिहार करने वाली है। तो अभी आप लोगों को ये दिल्ली के, दिल्ली में कैसे बात करते हो बताएंगे, ठीक है बाबू, दिल्ली में कैसे बोलते हैं बाबू, चलो बंगाली बोल दो, बंगाली में बालू अच्छो, बालू अच्छो मतलब दिल्ली का हाथ दोस्तों, देखते देखते कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मस्त, और ये बोल नहीं पा रहे हैं ये बच्चे, तो बोले नहीं लेकिन प्यार से बच्चा है, क्या नाम है बाबू, अभय, पूरा नाम क्या है, अभय रजक, अभय रजक, तो ये मेरा दोस्त है अभय रजक, जो कि मेरे दोस्तों का है, बोल दो हाय, तो अभय, हाँ ये तो बोलती है अभय, अभय क्या बोलना चाहोगे हमारे, बोलो प्लीज दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दे, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर, मोनोपित्री ब्लॉग्स, हाँ मोनोपित्री ब्लॉग्स को सपोर्ट करें, ब्लॉग्स को सपोर्ट करें, को सपोर्ट करें, और क्या बोलना चाहोगे, दिल्ली का भाषा, दिल्ली का भाषा, दिल्ली में, दिल्ली में कुछ बोलो, तो दिल्ली वाले कैसे बोलते हैं, दिल्ली वाले, हाँ दिल्ली वाले कैसे बोलते हैं, पता नहीं, पता है, चलो ठीक हाँ, रोने का इधर, हंसने का, रोने का, रोने का, रोने वाले इधर, हंसने वाला करो, रोने वाला करो, सही से नहीं रो रहा है, चलो ठीक है जाओ। आज हमारा डिनर आ चुका है, डिनर में है आज बॉयल अंडा का भुजी, ये क्या होता है, चोखा बनाई है पूनम जी, और बीन्स आलू की सब्जी मस्त, और सलाद और रोटी, तो मस्त अभी करते हैं डिनर, डिनर स्टार्ट करते हैं।